Everyone is sweet. Good morning to all of you. Today is 29 October 2020 and birthday of cyclone. अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, जो भी जैसे भी पढ़ाई करो, ये वाला वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक है। तो आपको बिना देर हम लोग के कहें ये वाला चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूँ अमृता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डिलाइट अमृता। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते हैं कि कैसे हम उस लोगों को पढ़ना है जिससे कि वो टॉपर बन सकते हैं। टॉपर जो भी बनते हैं उसका रूल एंड रेगुलेशन स्टडी का क्या होता है, आज मैं बताऊंगा कि ये सेल्फ स्टडी हम लोग कैसे टॉपर लोग करते हैं जैसे कि आप लोग 100% आपकी पढ़ाई में दे सकते हो। नंबर वन चीज़ ध्यान में रखना, ये वाला वीडियो बहुत ही 100% लाभदायक है। अगर नहीं होगा तो आप ये वाला वीडियो को डिसलाइक करो। नंबर वन, चूज ए बेटर टाइम फॉर स्टडी। एक दिन लगभग 24 आवर होता है, इसे 24 आवर पढ़ना नहीं है। आपको एक दिन के अंदर 2 घंटे भी पढ़ाओ लेकिन अच्छे से पढ़ो। जो चीज़ को पढ़ाई करते हो उसको ध्यान में रखते हुए आपको भी आपका क्वेश्चन पेपर निकालना है और आपको क्या करना है, एक स्टडी टाइम निकालना है। मॉर्निंग में पढ़ना है या दोपहर को पढ़ना है या शाम को या रात को, वो आपके डिसाइड करना है। आपकी जो सिचुएशन होता है, आप किस प्रकार का स्टडी करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कौन टाइम या किस टाइम आपको बेहतर रहेगा, मॉर्निंग टाइम। मैं तो बताता हूँ, मॉर्निंग टाइम इज़ बेस्ट टाइम। और मॉर्निंग टाइम अगर आप जो चीज़ जो सब्जेक्ट को आपको डिफिकल्ट लगता है अगर मॉर्निंग टाइम में आप शुरुआत करोगे तो अच्छा रहेगा। नंबर टू, मस्ट फॉलो ए टाइम टेबल। जैसे कि बंदे बहुत टॉपर लोग क्या कहते हैं ना, टाइम टेबल, एक प्रॉपर टाइम टेबल और शेड्यूल को फॉलो करते हैं। जैसे कि मंडे को ये पढ़ना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे सब जो हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं उसको प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करते हैं। और एक दिन में कितने आवर एक सब्जेक्ट को देना है वो भी टाइम टेबल फॉलो करते हैं। अगर आप टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकते हो कि कैसे आप लोग एक प्रॉपर टाइम टेबल, टॉपर के जो टाइम टेबल होते हैं उसको पढ़ना है। ये उसको ध्यान में रखते हुए आप नए शेड्यूल एंड टाइम टेबल कैसे आप बना सकते हो, खुद ही खुद, किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना है। खुद को बनाना है, खुद को तैयार करना है और खुद ही सक्सेस पाना है। आपके गुरु हो सकते हैं लेकिन आपको डिपेंड करना है आपके सिचुएशन वजह से। आप क्या करते हो, टाइम टेबल पर फॉलो करना है। नंबर थ्री, आप जब पढ़ाई करते हो अगर कोई दिक्कत आता है, डिफिकल्ट आता है तो आपको क्या करना है, इसी सब्जेक्ट को आपको रियल लाइफ में साथ जोड़ना है। रियल लाइफ में आप जब जोड़ोगे तो आपको ये जो पढ़ाई बहुत ही इजी लगेगा और याद भी रहेगा। जैसे कि मान लीजिए जब आप पढ़ाई करते हो तो ध्यान में रखना चाहिए कि आपको फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर के साउंड बंद होना चाहिए। जितना हो सकता है आप फ़ोन को अवॉइड करो, अवॉइड योर फोन्स, क्योंकि फ़ोन ऐसा एक चीज़ है। अगर आप मान लीजिए 10 मिनट के लिए अगर ब्रेक लिया है आपके पढ़ाई के टाइम से, तो 10 मिनट अगर सिर्फ मोबाइल ढूंढने लगोगे तो 10 मिनट क्या कभी 10 घंटा चले जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और आपका जो स्टडी का जो टाइम टेबल फॉलो किया है या टाइम टेबल शेड्यूल किया है उसी को आपको बंद करना पड़ेगा और आपको आप भी टॉपर बन नहीं पाते। तो अगर टॉपर बनना है तो अवॉइड योर फोन जितना हो सकता है। अभी तो आपको पता है कि हम लोग कोरोना के COVID-19 की सिचुएशन में है तो आपको मस्ट भी ऑनलाइन के क्लासेस पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास जितने घंटे होता है, 1 घंटा मान लीजिए, 2 घंटा, उसी टाइम को आप फ़ोन को देखो। बाकी आप दूसरे, आप खुद की सेल्फ स्टडी को मोटिवेट करके आप खुद ही खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। आप जितना भी पढ़ लो, जितना फ़ोन या जितना कोचिंग ट्यूशन जितना भी पढ़ो, सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरत है। ये अगर सेल्फ स्टडी एक बंदा नहीं किया तो आप टॉपर बनने में 98% में बोल रहे हो आप हार जाओगे। इसीलिए सेल्फ स्टडी यानी सेल्फ स्टडी खुद ही खुद पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट वन इज, जब आप टाइम प्रॉपर शेड्यूल के साथ बना सकते हो तो आप अगर मान लीजिए एक घंटे में आधा घंटा पढ़ लिया तो 10 मिनट का ब्रेक लो। ये 10 मिनट में क्या करोगे, मान लीजिए आप एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है तो आप क्या करोगे, उसी टॉपिक को आप एक गाना बनाओगे या कुछ आपके स्टोरी वगैरह लिख के आपको ये वाला को रिकॉर्डिंग करना है फ़ोन पे। रिकॉर्डिंग जब आपको 10 मिनट नहीं है तो आपको ईयरकट या
कुछ भी साउंड वगैरह लेकर इसी को सुनना है। जब सुनोगे बार 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 इसी सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करोगे, देखोगे आप सक्सेस पाओगे। सक्सेस आपका दिक्कत में है, सक्सेस आपके लाइफ में है, क्योंकि आप जानते हो कि कैसे टॉपर बनना है। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।